वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का। गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों का सिलेबस, वो भी सब्जेक्ट बॉटनी का। ठीक है, तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। इस पेपर का नाम होगा यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स, ये हो जाएगा पेपर का नाम, यानी थ्योरी पेपर का नाम। फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पेपर आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल पेपर होता है। चलिए, सो यहाँ पर जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में देखा, ठीक उसी तरह थर्ड सेमेस्टर में भी आप लोगों में 8 यूनिट यानी टोटल 8 यूनिट्स आपको पढ़ने होंगे, चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो या फिर थ्योरी पेपर हो। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पर इस थर्ड सेमेस्टर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अब तक जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस था, काफ़ी कुछ इजी था, काफ़ी क्या बहुत ही ज़्यादा इजी था कहा जाए तो। यहाँ पर लेकिन थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो बॉटनी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट में टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमनक्लेचर, पहली यूनिट का नाम है टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमनक्लेचर, जिसके अंतर्गत कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी के कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं। ये सब डिटेल डिस्कशन करना होगा, पढ़ना होगा। टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज लाइक हार्बेरियम फंक्शंस, इंपॉर्टेंट हार्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, फ्लोरा कीच, सिंगल एसेस एंड मल्टी एसेस। ठीक, तो ये हो जाएंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। आगे इसी में है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आईसीएन के अकॉर्डिंग बॉटनिकल नॉमनक्लेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उन सबको डिटेल पढ़ना होगा। आगे है रैंक एंड नेम्स प्रिंसिपल्स ऑफ प्रियोरिटी, बायनोमियल सिस्टम, टाइप्स, मेथड, ऑथर, सिटेशंस, वैलिड पब्लिकेशंस, ये सभी यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस, क्लासिफिकेशन के टाइप्स और उसके एविडेंसेस यूनिट नंबर सेकंड में आपको पढ़ने होंगे। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेंटिक, ये तीन ही टाइप के क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के पढ़े जाते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेंटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें नेचुरल सिस्टम जो बेस्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने होंगे आपको, केवल और केवल कहाँ तक, सीरीज तक पढ़ने होंगे, कोई ऑर्डर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एंगलर एंड प्रांटिल अप टू सीरीज, एंगलर प्रांटिल का भी अप टू सीरीज तक क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। एंजियोस्पर्म्स फाइलोजेनी ग्रुप्स APG 4th क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पलेनोलॉजी, साइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डाटा लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड होमोलॉजी। तो देखा जाए तो ये काफ़ी कुछ टफ आ गया है, इसके पहले ये सिलेबस में नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जो नीचे के साइड में आपको दिख रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड में, ये लगभग इसमें से नहीं थे, जो कि अब आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है सिलेबस में, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 3 से 4 मंथ के अंदर ये सभी सिलेबस कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 दिया है आइडेंटिफिकेशन, यूनिट 3 का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। अब इसके अंतर्गत फैमिली पढ़ने होंगे, इसके पहले लगभग 27 फैमिली यानी 27 फैमिलीज पढ़ना रहता था बीएससी सेकंड ईयर में, लेकिन अब बीएससी सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में केवल और केवल इसके अंतर्गत दी गई जो फैमिलीज हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फर्स्ट में फैमिलीज, फर्स्ट फैमिलीज कैन बी क्लोजेज यूनिवर्सिटीज वाइज एज पर लोकल अवेलेबल फ्लोरा, जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के एरियाज में आसपास में जो भी लोकल फ्लोराज प्रेजेंटेड हैं, अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी फैमिलीज हैं वही केवल स्टडी करना होगा।
अब इसके अंतर्गत आइए आपको दिखाते हैं बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग इन फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन कैसे किया जाता है, वो सभी आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो फैमिली कौन कौन सा पढ़ना है, रैनकुलेसी, मालवेसी, रूटेसी, फैबेसी, मारेटेसी, कुकुरबिटेसी, रूबिएसी, एस्टेरेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, एस्क्लेप्लेडियसी, सोलेनेसी, ये इतनी फैमिलीज पढ़ने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर फोर में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकेंड। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकेंड मीन्स यहाँ पर आपको डाइकॉट फैमिलीज पढ़ने होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मोनोकॉट फैमिलीज और कुछ डाइकॉट फैमिलीज जो कि इम्पोर्टेंट है वो इसके अंतर्गत, यानी कि जो मोनोकॉट फैमिलीज डाइकॉट फैमिलीज मोनोकॉट से रिलेशन रखती हैं लगभग, वो भी इसी के अंतर्गत पढ़ना होगा, जिसके अंतर्गत एमरेंथेसी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमरेंथेसी, यूफोरबिएसी, पैपाब्रेसी, एपीएसी और लेमिएसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, मोजेसी और पोएसी, ये सभी चारों फैमिलीज मोनोकॉट की हैं और ये भी ऊपर की जो हैं वो डाइकॉट की हैं, लेकिन रिलेशन रखती हैं फ्यू मोनोकॉट से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर फाइव, पांचवी यूनिट है मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी। मॉडर्न ट्रेंड इन प्लांट टैक्सोनॉमी में ब्रीफ आइडिया ऑन फेनेटिक्स, बायोमेट्रिक्स, क्लेडिस्टिक्स, मोनोफिलेटिक, पॉलीफिलेटिक एंड पैराफिलेटिक ग्रुप, ये सभी नए चीज़ें हैं, इसके पहले ये कुछ भी नहीं था। यूनिट नंबर फाइव टोटल न्यू है, टोटल का टोटल न्यू आया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे, आपको जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, जब इसके वीडियोज या लेक्चर्स अपलोड होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में क्या है सब। तो पाँचवीं यूनिट नई है, टोटल नई है। उसके बाद यूनिट नंबर सिक्स और भी नया है, इसे तो बॉटनी में होना ही नहीं चाहिए था, किस बेसिस पर न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सब सिलेबस में रखा गया है, ये तो किसी भी टीचर को खुद भी नहीं समझ में आ रहा है क्यों रखा गया है, इसका कोई उतना ज़्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी रखा गया है। आप देख सकते हैं टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इन प्लांट आइडेंटिफिकेशन, प्लांट आइडेंटिफिकेशन में टूल्स और सॉफ्टवेयर का यहाँ पर क्या यूजेज है, वो पूरा का पूरा यूनिट ही रख दिया गया है, जिसमें GIS मैपिंग पैटर्न, फीचर्स, क्वांटिटीज, ये सब रखा गया, प्री फाइलोजेनेटिक्स सॉफ्टवेयर ये सब रखे गए, डिजिटल टैक्सोनॉमी, ई फ्लोरा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी DELTA, इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी, ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो सभी यूनिट नंबर सिक्स में आपको पढ़ने होंगे, जो कि टोटल नया है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, वैसे BSc लेवल पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन है यहाँ पर। आगे सेवंथ यूनिट में, यूनिट नंबर सात में देखिए क्या नया दे दिया है, इसकी तो 100% में से 1% की कोई ज़रूरत नहीं थी, बॉटनी का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर रखा गया है कंप्यूटर यूजेज एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ये सब क्या है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। MS ऑफिस PPT, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डाटा एंट्री, ग्राफ्स, एग्रीगेट, फंक्शन फार्मूला एंड फंक्शन नंबर सिस्टम, यानी कि पूरा का पूरा कंप्यूटर दे दिया गया है, यूनिट नंबर सिक्स में पूरा कंप्लीट कंप्यूटर के बारे में दे दिया गया है। ठीक, और लास्ट यूनिट जो है एट नंबर, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट में एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पर्शियन, मुगल एंड जापानीज, गार्डन्स, फीचर्स ऑफ गार्डन्स, गार्डन वॉल, फेंसिंग स्टेप्स, हेड्स, एडजिंग लॉन, ट्रीज, श्रब एंड सब श्रब्स, बेरीज, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स, रॉकरी, फ्लावर्स बेड्स, स्ट्रॉबेरी बॉर्डर्स, ये सभी तमाम प्रकार के ऐसी कई चीज़ें आ गई हैं जिसकी कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी इस यूनिट में भी,
एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट की कोई उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ दे दिया गया है, अब सब पढ़ने होंगे। यानी टोटल कहा जाए यूनिट नंबर 5, 6, 7 और 8, ये चार यूनिट बिल्कुल बकवास है, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब दिया है सिलेबस में तो क्वेश्चन भी आने ही आने हैं। तो बस ये सिलेबस यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, पेपर फर्स्ट का। पेपर सेकंड का जो सिलेबस है प्रैक्टिकल पेपर का, वो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तब तक इसका वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, शेयर कर दीजिए और सिलेबस को अपने कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।